हमारे रमजान है और रोजा है और दूसरा जो है कि ये कोविड रिलेटेड प्रेस ब्रीफिंग है, तो अपेक्षा है आपके से कि कोविड रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। दूसरे डेफिनेटली आपके मन में अदर बाकी पब्लिक ग्रीवेंसेस भी आपकी इसमें होगी, लेकिन कहीं वो दूसरे फोरम पर अरेंज कर सकते हैं। कोविड रिलेटेड जो भी है वो इसमें पूछ सकते हैं। तीसरा जो है, जैसे कि मैक्सिमम लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है, मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। हमारी इकोनॉमी और बाकी चीजों को देखते हुए जो है अभी जो सिचुएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लगती नहीं कि लॉकडाउन करने की है। हो सकता है आगे अगर सिचुएशन वर्स हो तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी जो मैक्सिमम लोगों के मन में इंक्लूडिंग आपके भी मन में होगा कहीं या फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने जा रहा है, तो मैं उसमें नेगेटिवली रिप्लाई करता हूं कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन मुल्क के दूसरे स्टेटों में हो रही है जो सेकंड वेव के चलते, वो सिचुएशन हमारे यहाँ भी डेफिनेटली उभर करके सामने आ रही है। भले हो सकता है वो उतनी गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन हमने उसको टाइमली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ, एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, और उसी की एक कड़ी के चलते, उसी के एक स्टेप्स के चलते सोचा कि आपके साथ रूबरू हो और जो है आप भी पब्लिक में जो कोविड रिलेटेड पिछले साल जो ये था काफी डर भी था, डर का ना होना या होना उस बात पर निर्भर करता है कि उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप उसमें जानते हैं। मैं इस हैंडआउट के जो ब्रीफ हाइलाइट्स है वो पढ़ना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। बेसिकली कोविड जो है तीन स्टेजेस से ब्रॉडली कोविड की सिचुएशन गई है। पहला स्टेज था पिछले साल जब हमने कुछ ना देखते हुए लॉकडाउन किया, फर्स्ट टाइम फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी जान को बचाना। लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस हुए, एक पर्टिकुलर स्टेज आया जब हमें कोविड के बारे में सफिशिएंट जानकारी हुई, उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल इवॉल्व हुआ, साथ ब साथ हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी काफी बढ़ने लगी, उससे चलते अनलॉक के फेजेस आए जिसमें जान भी जहान भी दोनों जो है साथ में रखते हुए वो फेजेस को इम्प्लीमेंट किए। एक स्टेज ऐसा भी आया था कोविड काफी निग्लिजिबल लेवल तक पहुंच गया था, नवंबर दिसंबर इवन जनवरी तक जो है कोविड काफी कम हो गया था। आज जो है तीसरा फेज है जिसमें कि इकोनॉमी और हमारी लाइफ जो है पूरी रूटीन तरीके से चल रही है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है। थर्ड फेज जो है कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड जो थर्ड फेज है जिसमें हम अभी है सेकंड वेव, लेकिन उसके मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें तीसरे टाइप का जो फेज है जिसमें हमें कोविड के बारे में जानकारी तो है, भले ही हो सकता है म्यूटेंट वायरस के बारे में उतनी ना हो, लेकिन कोविड में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो जानकारी तो हमारे पास अवेलेबल है। पब्लिक के पास भी जानकारी की कमी नहीं है, अवेयरनेस काफी है, लेकिन थोड़ा सा कैलसनेस डेफिनेटली है और वो दूर होना, टाइमली दूर होना बहुत जरूरी है। सिचुएशन और वर्स होने के पहले ही चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन पब्लिक में है, कॉमन मासेस में है, कोविड रिलेटेड कोई कैलसनेस नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स
किस हालात से गुजर रहे हैं उससे चलते हमने सुधरने की जरूरत है। तकरीबन जो है 90,000 के करीब यहाँ केसेस वैली में अब तक आई है और उसमें 80,000 के करीब रिकवरी है, मोर देन 91% रिकवरी हुई है। आज जो है 7,300 के करीब पॉजिटिव पर्सन्स वैली में है, 1,300 के करीब डेथ्स हुए हैं, 1,297 कोविड के चलते डेथ्स हुई है, डेथ का परसेंटेज 1.47 है और अकेले श्रीनगर में उनमें से 37% डेथ हुई है। टेस्टिंग का सवाल जो है 28 लाख के करीब हमने टेस्ट अब तक किए हैं, उसमें से 20 लाख जो है आरटीपीसीआर पर है जिसको गोल्डन टेस्ट कहते हैं और जो दूसरी जो है वो 7,27,000 टेस्ट हमने किए हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट पर। अभी हमारे पास जो लेवल वन जिसमें कि हम टर्शियरी केयर बोलते हैं और लेवल टू, ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है, उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है, लेकिन इन बेड की संख्या जो हम बढ़ा रहे हैं, 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स हैं उनसे भी टाइप हुआ है, नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है, ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे, ऐसी उनको हिदायतें दी गई है। बाकी कोविड रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, मास्क का एनफोर्समेंट वो जारी है, सैनिटाइजर सोप या हैंड वॉश इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी किया जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस इकोनॉमी को मद्देनजर रखते रखते क्योंकि नहीं है तो भी 30-40% इकोनॉमी हमारी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी और अलाइड सेक्टर पर डिपेंड है, वो कंस्ट्रेंट्स ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर एटलीस्ट अनसेफ विदाउट मास्क लोग ना घूमें। बस मेरे ख्याल से यही है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल था उसमें नेशनल एवरेज 1.9 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं, हमारे यहाँ 3.6 लाख पर मिलियन टेस्ट हुए हैं और अब तक वैक्सीनेशन 7.5 लाख लोगों को किया गया है। डायरेक्टर स्कीम्स और दूसरे जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है, मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है तो अहम बात यह है कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन इश्यू हो रही हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जैसे आज आ रहा है कि मार्केट जो है 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट होगी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं एक बात बहुत अहम है जो कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं तमाम श्रीनगर ज़िले के रहने वालों से कि वैक्सीन सभी जो है वैक्सीन की डोज लें जो एलिजिबल ग्रुप से, क्योंकि ये इनवेरिएबली देखा गया है जिन जिन हैबिटेशंस में पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हैं वहाँ पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। तो लिहाजा वैक्सीनेशन आज अगर हम वैक्सीन प्रेफर करेंगे तो हमें कल ICU की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात। और दूसरा ये कि जो SOPs फॉलो करने का जहां तक ताल्लुक है तो SOPs फॉलो करना कोई सजा ना समझा जाए, इसको पनिशमेंट की तरह ना लिया जाए बल्कि इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझा जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वबा के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, जो जंग हमने छेड़ी हुई है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की रिस्पांसिबिलिटी है। और जब तक हम इसको कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। ये पब्लिक, ये जो पेंडेमिक है इसमें अवाम ने खुद लड़ना है और गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है और हमारे जो शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है उसको हम पूरा पूरा अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया।